डिहाइड्रेशन क्या होता है? दोस्तों हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है। डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं जब हमारे शरीर में पानी अपनी नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है और हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाती है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है तो हमारा शरीर सही से काम करना बंद कर देता है। डिहाइड्रेशन को दोस्तों हिंदी में निर्जलीकरण भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन तब होता है जब हमारे शरीर में पानी पीने की मात्रा कम और हमारे शरीर से पानी पसीना मल मूत्र के रूप में ज़्यादा निकलने लगता है, तब हमें डिहाइड्रेशन की समस्या बन जाती है। जब आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है तब आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है और आपको पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती। आपका बीपी लो रहने लगता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपका गला और मुंह सूखने लगता है, आपको पेशाब कम आने लगता है और साथ ही आपका जो शरीर होता है वो थका थका रहता है। ये सभी समस्या आपको आ जाती है। इस स्थिति में आपको पानी इलेक्ट्रोल डालकर ज़्यादा पीना चाहिए। आपको जल जीरे का ज़्यादा सेवन करना होता है, आपको नींबू पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको जल्द राहत मिलती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या बन जाती है तो आपको छाती में जलन रहने लगती है, आपका पेट सूखने लगता है, आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, आपके मुँह से गंदी स्मेल आने लगती है और साथ ही आपको जो पेशाब होता है वो डार्क येलो रंग का आने लगता है। दोस्तों डिहाइड्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए आपको हरी पत्तों वाली सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना होता है, आपको नारियल पानी ज़्यादा पीना चाहिए, आपको दही मौसमी फल का ज़्यादा यूज़ करना होता है, आपको ओएआरएस ज़्यादा पीना होता है। इससे क्या होता है, आपके बॉडी का वाटर लेवल पूरा होता है, इससे आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है। दोस्तों हम सभी को पता है हमारा शरीर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स और सेल्स के अंदर मौजूद रहता है। जब हमारे शरीर में पानी का वाटर लेवल कम होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम हमें संकेत देता है कि अब हमें पानी पीना चाहिए ताकि जो बॉडी का वाटर लेवल होता है वो पूरा हो सके। क्योंकि दोस्तों पेशाब पसीना और यहाँ तक सांस लेने में भी हमारा वाटर लेवल कम होता है, इसलिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि जो हमारा शरीर का वाटर लेवल होता है वो प्रॉपर मेंटेन रह सके। डिहाइड्रेशन के क्या संकेत होते हैं? दोस्तों अगर आपको बुखार ज़्यादा रहता है तो आप में तब भी वाटर लेवल कम हो सकता है, या तो अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तो भी आपका वाटर लेवल कम हो सकता है, या आपको ज़्यादा डायरिया या आपको काफ़ी टाइम से उल्टी की समस्या बनी हुई है, आपको लूज मोशन लगे हुए हैं तो भी आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम हो सकता है। तो